अच्छा मैं समझ गया, गई गई कुछ नहीं हुआ, गई गई पिचक गई। और यहाँ तो देख रहा हूँ वहाँ और महंगो है। तो भैया यहाँ पे वो देखो क्या, नो नो कैमरा रेडिएशन छोड़ता, रेडिएशन फोन पे नहीं छोड़ता। मैं कह रहा तुम्हारी खोपड़ियों को सलाम। हेलो भैया मैं उम्मीदवार, कल को आपको बताइए भाई ये रामेश्वरम में डटे थे हम लोग रात को। रामेश्वरम कहाँ पे पड़ता है ये आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, बिल्कुल छोड़ पे श्रीलंका के बिल्कुल टच में, यहाँ पे होगा श्रीलंका थोड़ा बहुत, देखो इधर आए थोड़ा बहुत। अभी मैं रामेश्वरम में हूँ भाई, यहाँ पे धाम है, ज्योतिर्लिंग है अपना, उसका दर्शन हमने कर लिए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, फोन अलाउड होता नहीं है। अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं भैया यहाँ से जर्नी आगे की तरफ, अब साउथ इससे ज़्यादा हम आगे नहीं जा सकते भैया, इसीलिए आपने पढ़ा। अब इससे आगे कहाँ जाएं, इससे आगे कुछ भी नहीं है रियलिटी में। कल आपने देखा गाड़ी बड़ी फंस गई थी हमारी, निकल गई भैया, यहाँ के लोग कोई कोई सही मिल जाते हैं, पांच उंगली बराबर नहीं होती, हर जगह टेढ़े भी रहते हैं सूधे भी रहते हैं, सेम यहाँ का हाल है। हवा तेज चलती है समुद्र किनारे, वैसे यहाँ पे गर्मी भाई बहुत तेज पड़ रही है, और ऐसी गर्मी है ऐसे है नहीं है, चश्मे बस में लगाने पड़ते, वरना हम जैसे होगी तो जिनकी छोटी आग होती है आग भी नहीं खुलती भाई। तो यहाँ पे धनुषकोड़ी में फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ, वो मंदिर आप पीछे देख रहे हो, वहाँ पे दर्शन कर लिए जय श्री राम जी के, और वहाँ पे महादेव जी का तो धाम है ही, यहाँ पे राम जी ने शिव जी की पूजा करी थी। तो अभी हमारा प्लान है भाई ऊपर चलने का साउथ से, अब बढ़ते हैं ऊपर वापसी घर की तरफ, क्योंकि भैया आज हो गया हमको नाना करते हुए भी, मेरे को तो पर्सनली 15वां दिन है आज मैं घर से जब मैं बाहर हूँ, ये तो जब भी थोड़े से लेट हो गए थे, ये तो अभी फोटो वोटो खिंचवाने में थोड़े लिटिल लिटिल से व्यस्त हैं, पर हमारी सेल्टोस भी रेडी है इस पूरी गर्मी में हमको पहुँचाने के लिए कहाँ पे, अपने गाँव में। तो अब साउथ से हम बढ़ेंगे नॉर्थ की तरफ वापसी, इतनी भर गर्मी से हम बढ़ेंगे दोबारा से सर्दी की तरफ, क्योंकि भाई हमारे गाँव वाँव में जैसे सोहना पलवल गुड़गांव दिल्ली NCR एरिया में इस बार शिमला मनाली मसूरी देहरादून इनसे भी ज़्यादा ठंड पड़ रही है, वहाँ 12 डिग्री 11 डिग्री है, यहाँ पे 4-4, 5-5 डिग्री है। तो इस गर्मी से आप देख रहे हो भर गर्मी है भाई भयंकर, इससे परेशान हो गए हैं, अब सर्दी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एक और जगह है जो बहुत फेमस है भाई वहाँ पे, और हमको रुकना है जो यहाँ से 10 घंटे की दूरी पे है, जो है तिरुपति बालाजी, वहाँ पे चलेंगे भाई 600 किलोमीटर करीबन यहाँ से, क्योंकि वो हमारे रास्ते में ही पड़ेगा। अभी मैं बताता हूँ मैप में कौन सा रूट हम लोग लेंगे, उससे हम बढ़ेंगे ऊपर की तरफ, बहुत दूर है भाई, हमारा घर यहाँ से 2 दिन की दूरी पे, यानी कि नॉन स्टॉप अगर ड्राइव करें ना बिना कोई सूसू ब्रेक या फिर चाय वाय के ब्रेक के भी, तो हम 2 दिन में पहुँचेंगे, यानी कि 48 घंटे में नॉन स्टॉप। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना जिस जगह पे, मेरे सीधे हाथ की तरफ भी समुद्र है, मेरे उल्टे हाथ की तरफ भी समुद्र है। हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे देशवासियों ने देखो कितना अच्छा रोड बना दिया है भाई साहब, समुद्र के बीचों बीच में से रोड बना रखा है ये, जहाँ से पूरा ट्रैफिक वगैरह जाता है मंदिर की तरफ, धनुषकोड़ी मंदिर की तरफ। तो बहुत अच्छा सा लगता है यार, यहाँ पे अगर ड्रोन वगैरह होता तो भाई नज़ारे ही कुछ और रहते, बट नेक्स्ट टाइम आएंगे तब ड्रोन फ्रोन लेके आएंगे यार, इतने साल हो गए यूट्यूब पे ड्रोन ना खरीदा जा रहा। अरे बात वो है यार, कहाँ उड़ाएंगे उसको यार, ये रहता है एक हल्ला ट्रिप पे आए एक आध दिन उड़ा लिया, फिर हम पे उड़ाना उड़ाना भी नहीं आता, पर यहाँ कैसे नज़ारा, ओहो यार जाने का मन तो नहीं कर रहा भाई, बट देखो जाना तो पड़ेगा। वाले कह रहे हैं छोरा बहुत दिन है गए, बस आ जा, घरों ही रुपया भी खर्चा करो भाई, ऐसी ट्रिपों पे ना पैसा कुछ ज़्यादा लग जाता है, 1,00,000+ तो जाता ही जाता है। तो कोई भाई गाड़ी से प्लान करे तो जेब में 50 की गड्डी यहाँ लेके आना यहाँ से। और भाई ऐसे कहते हैं जैसे ये धनुषकोड़ी वाला रोड है दोनों साइड समुद्र है कि भाई यहाँ तो ट्रैफिक भी नहीं आता, एक्सीडेंट कैसे हो सकता है भाई, पता है विधि के विधान को ना कोई नहीं टाल सकता, चाहे भीड़ 1% भी ना हो रोड पे। आगे तो देखिए इस ट्रक का आपको मैं हाल दिखा दूँ 1 सेकंड उतर के, बस जैसे ये वो ढोती है ना सवारी फवारी, ये देखो भाई कितनी बुरी तरीके से बस का एक्सीडेंट हुआ है, और नई बस है कतई नई, देख ना विंडशील्ड न्यो कहे भैया आराम से चलाओ, अपनी वहाँ में ना चलना चाहिए, रामेश्वरम की लोकल बस है, देखना साइड से छील दिए सामने की टक्कर है कोई, भैया इसलिए प्यार से चलो, देखो हमने अपनी गाड़ी पे हाँ ओवरटेक के चक्कर में ना जो लोकल बने, इसमें बस वाला तो गया ही गया, अगर साइड में पैसेंजर जो होंगे उनको चोट आई होगी वो अलग, क्या फ़ायदा भैया ऐसी चीज़ करने का, तो दिस इज़ रॉन्ग भाई, ये सब चीज़ों की बेकार है भाई ये,
सब विधि का विधान है गलत, इसलिए से रोड कोई सा भी हो अपना सुरक्षित चलो, बढ़िया चलो, चाहे कोई आ रहा है चाहे ना आ रहा है, इतने प्यारे रोड पे भी एक्सीडेंट्स मुमकिन होते हैं। हमारी गाड़ी में अब तक एक सिंगल स्क्रैच जिससे कहते हैं वो तक नहीं है भाई, इतने प्यार से और 3000 किलोमीटर चला ली हमने गाड़ी, नई गाड़ी ली थी, 5441 किलोमीटर हो चुके हैं, कहीं एक सिंगल इतना सा स्क्रैच कुछ भी नहीं है, भगवान की दया से, भगवान का नाम लेके चलते हैं, बेस्ट है यार। रस्ते में जाते जाते बोर हो रहे थे तो सोचा भाई इतने दिन से बस रस्ते ही नाप रहे हैं, जरा तमिलनाडु के खेतों वेतों की थोड़ी सी हवा फवा ले लेते हैं भाई, तो भाई इतना अच्छा लग रहा है ना, पीछे सनसेट हो रहा है, और भाई हमारे वहाँ आपने देखा होगा जून जुलाई में धान डूबते हैं, यहाँ अब तक भी धान डूब रहे हैं भाई, मुझे लग रहा है अब तो इन्होंने बोए हैं भाई, क्या एक्चुअली बात क्या है, सर्दी मतलब वो अनाज तो होता ही नहीं, अब अच्छा मैं समझ गया, बच गई। सुनो भाई मैं कह रहा था, हाँ अब वो समझ आ गो भाई कि यहाँ रोटी क्यों महंगी है इतनी, रोटी क्यों ना खा मैं, यहाँ अनाज तो हो गई ना, अनाज करनी चाहिए जाड़े ठंड, और यहाँ चौमासे गर्मी पड़े है तो यहाँ केवल धान धान होते हैं भाई, ये देखो इस खेत में भी केवल धान ही धान हो रखे हैं, देख रहे हो आप ये धान, हमारे वहाँ तो कटपट के खत्म भी है लिए, तो यहाँ पे भाई इसलिए बस ये चावल ही चावल खाते हैं, अनाज तो होता ही नहीं इधर, उसके लिए आपको भरत उसमें वो चाहिए क्या बोलते हैं आपको, फुल ठंड हमारे वहाँ पड़ती है, इसलिए हमारे नॉर्थ में ज़्यादातर खाते हैं लोग रोटी, यहाँ ज़्यादातर खाते हैं चावल, हमें तो चावल नहीं है 1% भी पसंद, पर इनको तो भैया 3 टाइम वही चाहिए, ये फाइट ऐसे करते रहते हैं जैसे नॉर्थ में और साउथ के में, अब चावल और रोटियों के ऊपर लड़ाई होती है ना, सेम इसी तरीके से लड़ते रहते हैं यार, इनका क्या करे, क्या करेगा आम आदमी इनका भाई, ओ प्यार हो गया, चलो बहुत बढ़िया, जब ऐसे डील हो जाती है कि मैं तुमको चावल दूंगा मैं तुमको नाच दूंगा तो वैसे बात बन जाती है, चलो भाई 9-9.5 घंटे दूर है यार, चलते हैं, बहुत देर इंजॉय फन हो गया, चलो। और भाई तमिलनाडु में हमारे वहाँ तो देखो शौक वैसे रहते हैं गाड़ियों पे रैप रूप ये चढ़वाने के कार्टून से, यहाँ बसों पे ये करवा रखे, यार ये बताओ यहाँ पे ये झंडा किसका है, पूरे तमिलनाडु में ये झंडा बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, हमको नहीं पता भाइयों, कमेंट डाउन बिलो किसी को पता हो तो, और टेल लाइट भी भाई वहाँ तो अपने हमको बस इतना शौक रहता है अपनी गाड़ी गुड़ी में बदलवाने का, ये टेल लाइट जलाएगा ना तब देखना, और एक चीज और है भाई ये आज भी ना ऑटो में LPG डलती है, हमारे तो CNG PNG टेम्पो आ गए, यहाँ पे देखो ये रहा ऑटो गैस स्टेशन, ये देखो ऑटो LPG आज भी यहाँ पे LPG डलती है भाई साहब, मतलब समझते हो LPG क्या होती है, वो गैस सिलेंडर नहीं होते तो पहले चलते थे मंदिर टाइम में अपने वहाँ, आज भी वो LPG के स्टेशन है यहाँ पे ऑटो LPG, हमारे वहाँ तो भैया सब CNG में शिफ्ट हो गए हैं, इन सिलेंडर प्लेंडरों को सबने बॉयकॉट कर दिया है, देखो भाई ये देखो कैसा, यहाँ तो डीजल फुल करवा रहे हैं भाई, ये तमिलनाडु में महंगा बहुत है यार तेल, 95 रुपए है यार, पर मजबूरी है इससे आगे हम ना तेलंगाना पड़ेगा ना, वहाँ आंध्र प्रदेश वहाँ 99 वहाँ और महंगा, तो भैया यहाँ पे वो देखो क्या, ओके मैं तो मौसम दिखा रहा हूँ मेरे भाई, ये देखो भाई कितना प्यारा मौसम हो रखा है, बारिश होने लगी, तेल तो पूरा दियो ना दियो, क्यों भाई वीडियो नहीं बना सकते, मैं पहले पेट्रोल पंप दुनिया को ऐसा देखो जो वीडियो बनाते मना कर रहा हूँ भाई, चोर की डाड़ में तिनका रहे कि दिक्कत तो ना कर दें, तेल डीजल ही है ना, चल फिर चल आगे चलो, मैं कह रहा हूँ कहा है वीडियो बनाते कहा दिक्कत है, देखे ब्लास्ट हो जाएगा ब्लास्ट, मैं कह रहा हूँ फोन पे कर रहे हैं जब ना हो ब्लास्ट, नो कैमरा रेडिएशन फोन पे नहीं छोड़ता, मैं कह रहा तुमको सलाम है, तुम्हारी खोपड़ियों को सलाम है, गुड छोड़, हमारी एजुकेशन में तो कोई कमी नहीं है, हाँ यार हमने एजुकेशन प्रॉपरली करी भाई, यहाँ के स्कूल थोड़े ज्यादा अच्छे तमिलनाडु बोर्ड, उरी मैया कितना बुरो एक्सीडेंट, ओ भाई यू तो अभी करो इन काम, यू तो कर दे इन काम भाई, बुरो ही
हेल्प कर रहा जाके भाई साहब आई 20 यही तो छी यार भाई ये यार खाने को कुछ मिलता नहीं इधर अच्छा सा इनसे ही काम चलाना पड़ रहा है क्या करे आम आदमी क्या करे ऐसी चीज लेनी पड़ती है यार ये पोला पोला टाइप है बहुत दूर है अभी तो ये मेरा पहला आजा आजा चलो भैया चलो और सर ठीक हो बजाना जिंदगी का सांड आगे गली में भाई एक बात है यहाँ तमिलनाडु के रोड एक नंबर है भाई कुछ भी कहो मजा आ रहा है 200 ब्रेकर तो बहुत ज्यादा है 220 किलोमीटर है बस तिरुपति बालाजी अभी पीछे बोर्ड देखा तब शांति से आई भाई मैप पे डालने जाओगे ना तिरुपति बालाजी भाई इतने तिरुपति आते हैं भाई साहब जन कहाँ कहाँ तो हमने परफेक्ट सा ढूंढा कि आंध्र प्रदेश स्टेट में है वो मैप पे लगाया है और अब एप्पल मैप थोड़ा सही रहता है यार इसमें एक्यूरेसी लिटिल लिटिल ज्यादा रहती है अगर हाई वाई वे चलना हो तो हम इसको प्रेफर करते हैं लोकल के लिए गूगल मैप्स ऑलवेज बेस्ट है जहाँ पे माइनर माइनर गली में से जाना हो तो वही वाली बात हो रही जैसे कन्याकुमारी में हम लोग पहुंच गए थे ना 3 बजे ही फिर सो गए थे गाड़ी में ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा तिरुपति चलो चल के देखते हैं क्या करते हैं अभी तो 3.5 घंटे मतलब 4 घंटे का सफर हो रहा है अभी तो फिलहाल कहाँ है तिरुपति भाई टाइम हो गया है 12:15 और यहाँ पे हमने एक रेस्टोरेंट खुला मिल गया मुश्किल से ही मिलता है यहाँ पे कैफे टाइप है मतलब ये भी बंद हो गया अभी तक जब तक हमारे जब तक पूरा खुला था एकदम हमारे आते ही बंद कर दिया वैसे सेफ है कोई दिक्कत वाली बात है नहीं और भाई साहब तुम ले रहे हो भी मजा है तिरुपति बालाजी 15-15, 20-20 घंटा का लाइन रहे और VIP दर्शन के 3 महीना पहले टिकट बुक हो जाती है जैसे हमने वहाँ कर लिया रामेश्वरम में तुरंत 200 की टिकट लेके कर ली है इधर बड़ा दिक्कत है 3 महीने पहले से ही वो 300 रुपये वाली तो बुक हो जाती है क्या करना है दिक्कत है देखो भगवान के जैसे दर्शन करवाएंगे बालाजी सब अच्छा करेंगे देखते हैं देखो भाई बुरा मानो चाहे भलो मानो यहाँ के लोग हैं ना लो हाई को तो सऊर है ही ना और इतने इतने अंडाने लेके चले हैं ना पूछो मत ना यहाँ में तो चलो है एक आध तो खैर पाई जावे भाई साहब मतलब इतनी तगड़ी तगड़ी LED है ना यहाँ इतनी तगड़ी तगड़ी गाड़ी में हमारे वहाँ तो करोल बाग फेल कर रहा हो यार और लो तो कोई जान ही ना लो भीम कहा रहे अभी इतना चला रहा हूँ मैं गाड़ी चला चला तो इतनी देर होगी है हद है यार और भाई मतलब एक रहेगी LED देखो एक रहे LED आपने लगवा ली गाड़ी में नॉर्मल अपनी हेडलाइट में बहुत है भाई अब चाहे 500 वाट लगवाओ मान लेके 1000 वाट लगवाओ बेस्ट है ठीक है भाई उनके बावजूद 4 लाइट अलग थे गोल वाली रहे ना मैंने आप डस्टर भी दिखाई मतलब इस बात का कोई लॉजिक है अब देखो इसको कितने डिप्पर दे लो मजा अलग कर जाए तो यहाँ के लोगों ने मतलब इस चीज़ को लेकर सहूर ही ना इस चीज़ में तो भाई मैं नॉर्थ में हिमाचल लद्दाख साइड ये देखे उत्तराखंड वगैरह जो पहाड़ी ड्राइवर रहे हैं मेनली मतलब इतनी तगड़ी तगड़ी लाइट लगवाने का मतलब क्या है चलो हेडलाइट में लगवा ली फिर वो लगवा रहे हैं मोटी मोटी सी वो मंदिर टाइम में तो चले गए उन लाइट ना अलग ठुकवा रहे हैं मतलब यहाँ को कैसे दिखे भी कहना आएगा भाई रात में लोगों ने मतलब बरामद मानियो कोई सब तो सेम ना रहे हैं पर भाई मोस्टली तो मुँह तो ऐसे ही मिल रहे हैं ये पैदल कहाँ जा रहे हैं रोड पर पैदल पैदल भैया भाई अब बस 129 किलोमीटर बच गया है हमारा यस द डोन सो गया है भैया अब यस के बारे में बहुत फालतू बोलते हो कमेंट्स में भाई प्लीज़ मत बोला करो ये बहुत शरीफ बालक है क्या छपरी छपरी है ऐसे भाई कुछ भी नहीं है बहुत शरीफ बहुत अच्छा लड़का है दिल से साफ इसको बोलो छपरी बोलना है तो और बिचार गया भैया मुझे गाड़ी चलाने तो मेरी गाड़ी है मुझे चलाने तो मैं नहीं चलाऊंगा गाड़ी सच बताओ ना भाई आपको नींद आ रही है हाँ भाई देख नींद मतलब मैं तो मजाक कर रहा था वैसे नींद आए तो भाई दूसरे को दे दो वो ज़्यादा बेटर है यार अपना सेफली सब पहुँचे तो वो सही है एक्चुअली बात पता क्या होती है एक मेम्बर कोई भी ट्रक जाए ना तो ये मन बड़ा हमारा चंचल है कहता है कि यार वो सो गया तू भी सो जाना तू तो अपनी गाड़ी तू तो सेफ चलाएगा चलाएगा सो मत जाइए भाई मुझे देखिए उठा के अब बस अब तो पहुंचने वाले हैं 2 घंटा में क्या ही है चश्मा चढ़ रहे भाई तेरे नजर के ये डिजाइनर नजर पे है इतना मंदो क्यों बोले है तू अब वो भूमि भूमि मेरा कुछ लेना देना नहीं है उसका इसका फोन था वो मेरा कुछ नहीं यार ये कोई बात तो यहाँ को फोन मेरा ना करता भैया बंद करता लाइट चलो भैया हम भी कैमरा बंद कर देते हैं यार और क्या हर चीज ही ना काट तू तेरी हर चीज कटवावे भाई तू हर चीज कटवावे
तो दिखाऊं ही ना, तो ब्लर कर दिया करूं। और बता भाई, 4-19 हो गए, अब देंगे जवाब। अब ना है बस की गाड़ी चलानी है भैया, पेट्रोल पंप कभी भी आपका मन किया करे, चाहे 50 किलोमीटर की साइड लगा गाड़ी सो जाओ, वो बेस्ट रहता है अपना रिस्क लेने से अच्छा, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है नींद बावली होती है इस टाइम पे।